Hi there, I am Chef Jafir and I welcome you to my kitchen. आज हम लोग बनाने जा रहे हैं अंग्रेजों की चिकनी, मतलब ग्रेनोला। इसको बनाने से पहले ना, I'll tell you three interesting things about this recipe. So interesting point number one is that ये सारे ingredients इस ग्रेनोला में, they're all देसी, they're all native to India, और इन सब चीजों को हम लोग कहीं ना कहीं खाना भूल गए हैं। तो आपकी नानी, आपकी दादी, घर के बुजुर्ग, they'll be very happy they're eating all of these healthy things. और दूसरी जो इंटरेस्टिंग बात है ग्रेनोला के बारे में, ये कि फूड की दुनिया में ये है ATM, मतलब एनी टाइम मील। इसको आप सुबह, शाम, दोपहर कभी भी खाओ, हमेशा स्वादिष्ट लगता है, हमेशा न्यूट्रिशियस आता है। और इंटरेस्टिंग बात नंबर थ्री, ग्रेनोला को हम बना के रख सकते हैं एक एयरटाइट कंटेनर में एक हफ्ते के लिए। तो चलो, लेट्स गो एंड मेक सम ग्रेनोला। आपने सारी कहानी सुनी है ग्रेनोला के बारे में, अब हम बनाते हैं ग्रेनोला। टू स्टार्ट द टोस्टिंग ऑफ द सीड्स, आई एम स्टार्टिंग विद एमरंथ। नाउ दिस इज द मोस्ट फन बिकॉज दीज पॉप अप लाइक पॉपकॉर्न। तो इसके अंदर यू जस्ट वांट टू स्टार्ट ऑन अ वेरी हाई हीट एंड मेक श्योर दैट यू आर टॉसिंग एंड टर्निंग एट रेगुलर इंटरवल्स। सो एट मैक्सिमम इंटेंसिटी यू वांट टू स्टार्ट एंड ग्रेजुअली व्हेन दे स्टार्ट पॉपिंग then you want to reduce the heat. So I'll show you how this is done. They're already starting to pop like that. So just keep it tossing. You don't want anything to be burnt. Jalna nahi chahiye, nahi to sara maza kharab ho jayega. They're already talking. Dekho this, look at them pop up. Small little seeds. So Rajgira, amaranth, is the fun bit in this recipe. Is samay kisi dost ka agar phone aa jaye na, don't answer. इस समय अमरंथ इज योर ओनली फ्रेंड। काफी हद तक हमारे अमरंथ टोस्ट हो गए। मैं अभी हीट रिड्यूस कर रहा हूँ बिकॉज कुछ सीड्स होते हैं जो टोस्ट नहीं होते, उनको हम आस्ते आस्ते टोस्ट करेंगे, डोंट वॉन्ट इट टू बर्न। अब हम आस्ते हीट पे पका रहे हैं एंड नाउ यू विल सी दे विल कीप पॉपिंग। यहां से कोने कोने से जहां से नहीं हुए, दे विल स्टार्ट पॉपिंग। After the amaranth, I'm toasting some freshly grated coconuts. This is just half a cup of coconuts. Just toasting it on light heat. Time to roast some almonds. And along with these almonds, I'll put in my sunflower seeds and pumpkin seeds. All get nicely toasted together. Then I'm just adding some watermelon seeds. You can hear the nuts popping. That's a good sign. But the next thing we're doing is making some gud ka syrup. Very little water. So this has to just evaporate. Slowly we will have our gud all melted and then slowly caramelizing. ये देखिए हमारी गुड़ की चाशनी रेडी हो गई है। इट इज नॉट टू थिक ताकि अच्छे से स्प्रेड हो जाए नट्स के ऊपर, और फिर उसको हम करेंगे बेक। अब हमारा गुड़ का सिरप ठंडा हो चुका है। वील एड सी सॉल्ट, सिनेमन पाउडर and some vanilla extract into this. इसको कर देंगे बढ़िया तरह से mix and this will go into our bowl of toasted nuts. एक interesting बात यह है कि कभी भी आप मीठा खाना बनाएं, कोई भी dessert बनाएं, चुटकी भर नमक डालने से ना उसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। अब ये secret बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, try करके देखिएगा। A little bit of salt in your desserts will amplify the taste. अब हमारे सारे किरदार आ चुके हैं मैदान में। अब हम मिलाएंगे हमारे ड्राई फ्रूट्स। इनके अंदर हम मिलाएंगे हमारा रेजन्स, ये ब्लैक रेजन्स मैंने ऐड किए हैं, और इनके मिलाएंगे हमारा नारियल। इन सूखे सारे इंग्रेडिएंट्स के अंदर
मिलाएंगे हमारा अमेरंथ। आप इनको बढ़िया तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करते सार ही हमारा फ्लेवर्ड गुड़ का सिरप भी ऐड करेंगे। इसको आराम से डालते डालते मिक्स करेंगे, सारे चीज को बढ़िया तरह से मिक्स करेंगे, इवनली स्प्रेड हो जाएगा एंड दिस विल बी द ग्लू जिससे हमारा सारा मिक्सर जोड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप इज टू लेयर अ बेकिंग ट्रे। मैं थोड़ा सा पानी जस्ट लिटिल बिट डाल रहा हूँ टू जस्ट चिपकाओ आर बेकिंग शीट। दिस इज अ क्विक टिप फॉर यू। नाउ ये सारा प्रिपेयर्ड मिक्सचर आई एम गोइंग टू अरेंज ऑन दिस एंड ट्राई टू डू अ 1 centimeter थिक लेयर। ये हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। इफ यू डोंट हैव दिस काइंड ऑफ अ टूल, आप इसकी जगह यू कैन यूज अ बटर पेपर, एक सिंपल बटर पेपर लगा के जस्ट गिव इट अ नाइस वेट चार तरफ से। दिस कैन ऑल्सो हेल्प गिव यू अ डेंस थिक एंड इवनली स्पेस्ड ग्रेनोला मिक्सचर। इस तरह से करके जस्ट मेक श्योर कि इवनली स्प्रेड आउट है, बिकॉज जितना इवनली स्प्रेड आउट होगा इवनली कुक होगा देन इट विल ऑल बी नाइस एंड क्रिस्प फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स। हमारा मिक्सचर रेडी है, इसको मैं हटा देता हूँ। नाउ आर ग्रेनोला ट्रे इज ऑल सेट टू गो फॉर बेकिंग। माय ओवन इज रेडी एट 140 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। टाइम टू ओपन द ओवन। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, सुपर हॉट, लुक्स लवली। हमारी ग्रेनोला तैयार हो चुकी है। जस्ट लुक एट दीज नाइस ब्यूटिफुल चंक्स ऑफ ग्रेनोला, काफ़ी क्रिस्प है, ब्रेकिंग अवे। इफ यू जस्ट वॉन्ट टू सर्व इट, इसको आप यू नॉट सर्व इट विद योगर्ट, ये बड़ा अच्छा तरीका होगा, बिकॉज आई वॉन्ट सम ब्रह्मी फ्लेवर्ड योगर्ट। इसके ऊपर यू नो जस्ट ब्रेक अ फ्यू एंड ये बन जाएगा बहुत ही बढ़िया आपका एक नाश्ता या एक बहुत ही अच्छा इवनिंग स्नैक, बिकॉज ब्रह्मी के भी गुण हैं, दही भी है एंड हमारा ब्यूटीफुल ग्रेनोला भी है। ऑल ऑफ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो फिर कैसी लगी अंग्रेजों की चिक्की, है ना मजेदार? आपके साथ अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। मेक श्योर यू आर टेकिंग द फर्स्ट स्टेप टू एनीमिया फ्री इंडिया बाय डूइंग योर हीमोग्लोबिन टेस्ट। मेक श्योर यू आर मोर देन 12।